सोलापूर शहराजवळ असलेल्या उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कवठे या गावाजवळ एका शेतात एक 25 वर्षीय युवक आणि 19 वर्षीय युवतीने झाडाला दोरी बांधून गळफास घेतल्याची घटना समोर आली आहे। या प्रकरणात मिळालेली अधिक माहिती अशी की सदर दोन्ही युवक व युवती हे स्थानिक रहिवासी नसल्याचं कळतंय, तर त्यांच्याजवळ कुठल्याही प्रकारची चिठ्ठी आढळून आली नाही। त्यांचे नाव व गाव हे देखील कळू शकले नाही, परंतु युवतीच्या अंगावरील कॉलेजच्या गणवेशावरून हे शहरातील विजापूर रोडवरील एका कॉलेजचे असल्याचे बोलले जात आहे, परंतु त्या ठिकाणी सोलापूर विद्यापीठाच्या काही पुस्तके आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे। या सर्व प्रकरणात पोलीस पुढील तपास करत आहेत। जय हिंद। सलगर वस्ती पुलिस स्टेशन का फोन आया 10:30 बजे कि एक कवठे में हैंगिंग है बोल के। वहाँ पर हम पुलिस अधिकारी सब वगैरह वहाँ पहले से मेरे से पहले कह रहे थे, कामगिरी कर रहे थे वो, तो फिर वहाँ जाने के बाद साहब ने बता दिए दो लोग गए। वहाँ जाने के बाद देखिए, हम एक 20-25 बरस का छोकरा है, एक 18 से 19 बरस की छोकरी है। विद्यापीठ स्कूल कॉलेज वहाँ जो वहाँ की किताबा निकले उसके, और वो अभी तक पता नहीं कहाँ के हैं, मगर दोनों भी सुसाइड करे सो है, हैंगिंग है दोनों भी। किधर झाड़ को लटका के झाड़ के ये कवठे को जाते ना अंदर, कवठे से अंदर कैनल से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में कोई देख नहीं सकते, खाली कैनल से अगर नजर मारे जाते वक्त में तो वो देखते हैं तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। वहाँ पर एक आदमी बोला क्या ऐसा ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट को हैंगिंग है। वहाँ देखने के बाद फिर हमको स्थानीय लोग नहीं पहचानते क्या उनको आसपास, वहाँ के वहाँ पर कोई भी नहीं पहचानते। चिट्ठी विट्टी का भेजती नहीं, फक्त मोबाइल है। किताबों के ऊपर नाम भी कुछ नाम है ना, वो इंग्लिश में नाम है। क्या नाम है वो पता नहीं, नाम क्या देखा नहीं, मैं डिपार्टमेंट के ताबे में दे दिया, मैं नाम है उनका दोनों का भी, और गाड़ी है ये में शाइन है, शाइन गाड़ी है।